दोस्तों, यदि आप भी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी चलाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। ई डिस्ट्रिक्ट आईडी की ओर से एक नई नोटिफिकेशन आपके पोर्टल पर आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए, तो दोस्तों, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाले जो वीडियो उनका लगातार देख सकें। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपना ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल लॉग इन करेंगे तो आपको नीचे, जैसे कि यहाँ पर आपको अभी दिखाई दे रहा है कि नोटिस दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले आपको क्लिक एयरफोर्स सेंटर फोटो अपलोड, ये काफ़ी दिन से ये मैसेज चल रहा है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दिनांक 1 नवंबर 2023 से लंबित आवेदनों की सूची में सिर्फ 7 दिनों तक आवेदन रखे जा सकेंगे। यह 7 दिनों के अंदर आवेदन संबंधित अधिकारी को अग्रेसित नहीं किया गए तो कोई भी नया आवेदन भरा नहीं जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, जैसे कि हम कोई नया आवेदन करते हैं और उसकी फीस हम पे नहीं करते हैं, और तो वो आवेदन आपके पेंडिंग एप्लीकेशन की सूची में आपको मिल जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आप पेंडिंग आवेदन रखते हैं जिसकी फीस आप पे नहीं करते, तो उन आवेदनों को केवल 7 दिनों तक ही पेंडिंग में रखा जाएगा। 7 दिनों के अंदर ही आप आवेदन को यानी संबंधित अधिकारी के लिए अग्रेसित यानी फॉरवर्ड कर सकते हैं या फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने 7 दिनों तक नहीं किया तो आपका कोई भी नया आवेदन भरा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, इसका क्लियर मतलब यही है, यदि आपने जो पेंडिंग एप्लीकेशन उनकी 7 दिनों के अंदर फीस पेमेंट नहीं की, तो उसके बाद आप यदि कोई नया आवेदन करेंगे तो वो आपका आवेदन भरा नहीं जाएगा। तो ये आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है। 1 नवंबर 2023 से ये नियम लागू हो जाएगा, उसके बाद आपको पेंडिंग एप्लीकेशन जो भी हैं उनकी फीस पेमेंट करना है 7 दिन के अंदर ही, यदि उससे ज़्यादा का टाइम होगा तो आप नया आवेदन कोई नहीं भर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम हो, राशन कार्ड में जब तक आप कोई राशन कार्ड को कंप्लीट नहीं करते, पूरा फॉर्म नहीं भरते हैं, उसके बाद उसे बैक हो जाते हैं या उसको छोड़ देते हैं, तो आप नया आवेदन नहीं कर सकते। उसी तरह से ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में भी ये नया नियम लागू किया जा रहा है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं ये आपको कैसा नया नियम लगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों चैनल को जो सब्सक्राइब करें।